सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि अगली राखी, अगला रक्षाबंधन आप बॉर्डर पे मनाए। इस बार आपका बीएसएफ रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाए। अगला रक्षाबंधन आपकी बहन आपको राखी भेजे बॉर्डर पर। तो चलिए दोस्तों, आपसे इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। और आज का जो हमारा जानकारी है कि भाई, काफी स्टूडेंट इस दुविधा में फंसे हैं कि वह तो कुक में अप्लाई कर दिए, वह तो स्वीपर में अप्लाई कर दिए, क्योंकि भाई अप्लाई करते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगा। अब वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगे, क्योंकि भाई कुक में NSQF लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा। और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि भाई ट्रेड टेस्ट में जाओगे, डॉक्यूमेंट में जाओगे, तो भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा ही कि तुमने जो कुक में अप्लाई किया तो किस आधार पर कुक में अप्लाई किया, किस आधार पर वाटर कैरियर में अप्लाई किया, किस आधार पर स्वीपर में अप्लाई किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें दिखाओ। देख लीजिए, NSQF लेवल का जो सर्टिफिकेट लगेगा वह लगेगा कुक वाले को, वाटर कैरियर वाले को और वेटर को, जो फूड डिपार्टमेंट से बनता है, कैसे बनता है, कहां से आपको बनवाना है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब देख लीजिए, इसके बाद आता है स्वीपर हो गया, टेलर हो गया, बारबर हो गया। तो बता दे, बीएसएफ ट्रेड्समैन सब ये जो 2158 पोस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे स्वीपर में डाले हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्वीपर में डाले हैं। इसके बाद कुक है, इसके बाद वाटर कैरियर है, फिर टेलर है, फिर बारबर है। समझ गए? तो बारबर में कम अभ्यर्थी है, टेलर में कम अभ्यर्थी है। जो भी अभ्यर्थी टेलर और बारबर से है, कहां से सर्टिफिकेट बनवाए, स्वीपर से है, कहां से सर्टिफिकेट बनवाए, ये सारी चीजें बताने वाले हैं। साथ में आंसर की कब आएगा, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि भाई आपका जो आंसर की है, आंसर की समझ लीजिए 5 सितंबर के अंदर में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। 5 सितंबर के अंदर में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आंसर की यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं पर ये जो अभी आपको इतना ताम झाम दिख रहा है, ये सब ताम झाम यहाँ से हटा लिया जाएगा सब, और यहाँ पर सीधा आपको लिखा आएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन आंसर की। समझ गए? और आंसर की का डेट फिक्स रहेगा कि इतने बजे से लेकर इतने तारीख को इतने बजे तक आंसर की रहेगा, वहां से आप अपना आंसर की देख सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक आएगा। देखिए, जैसे ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक आएगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना जन्म तिथि, और यहाँ पर डालिए तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि भाई मेरा ये क्वेश्चन सही है, बीएसएफ वालों ने गलती कर दिया, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्शन का आपका समय मिलेगा। इतना चीज आप लोग समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे खास जानकारी है और जो जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज हम बता दें कि काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में मेरा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई कटक बहुत ज्यादा जाता है। काफी बच्चे परेशान है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो दोस्तों, ऐसा सिविल ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों का रिजल्ट आया। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो सोचा नहीं था कि मेरा ट्रेड टेस्ट के लिए मुझे बुलाया जाएगा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है। समझ गए? तो दोस्तों, हम आप लोगों को एक चीज बता दे कि भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, अब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट के बुलाया जाएगा। और जहां तक अनुमान है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट एक साथ ही होगा, ऐसा लग रहा है। समझ गए? तो बता दे भाई कि ट्रेड टेस्ट के लिए कम नंबर है यदि आपका, तो आप भी तैयार रहिए, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि भाई एसएससीबी ट्रेड्समैन में कम नंबर वालों को भी बुला लिया गया है ट्रेड टेस्ट देने के लिए, लेकिन पूरा कम नंबर नहीं, एक एवरेज में नंबर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बता दे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें NSQF लेवल वन का सर्टिफिकेट किसको लगेगा, जो कुक वाले हैं,
जो वाटर कैरियर वाले हैं और जो वेटर है, समझ गए, जो वेटर है, जो कुक है, वाटर कैरियर है, इनको NSQF लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये बनेगा कहां से, तो हम आपको सीधा, आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाया, जहां से, समझ गए, जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाया, साइबर कैफे वाले के पास जाइए और उसको बोलिए कि सर हमको NSQF लेवल 1 का फूड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। यदि एक साइबर कैफे वाले को पता नहीं तो आप दूसरे के पास जाइए, साइबर कैफे वाले आराम से आपको बना देगा NSQF लेवल का सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे कुक, वाटर कैरियर या वेटर में डाले हैं, यदि आपका 80 भी नंबर है, 90 नंबर है, 70 नंबर है, क्यों नहीं आप ट्रेड टेस्ट पास हो, लेकिन यदि आपके पास NSQF लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आप फेल हो, ये जान लो, बता रहा हूं। बाद में मत बोलना कि भाई आपने हमें ये सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया, अभी बता रहा हूं, बना लो। इसलिए बच्चे नहीं बनाए हैं, उन्हें तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा नहीं, तो उनका मन है चलो लगा नहीं तो आगे भी नहीं मांगा जाएगा, नहीं बनाएंगे। काफी बच्चा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग यदि इसमें अप्लाई किए हैं, एग्जाम दिए हैं, अच्छा नंबर यदि स्कोर आ रहा है तो आप बनवा लीजिए, हम कह रहे हैं आपको आप बनवा लीजिए, नहीं तो भाई आपका रिजल्ट आएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए काफी बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, काफी बच्चों का, समझ लीजिए, ट्रेड टेस्ट के लिए बीएसएफ प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका कम नंबर है उसको भी, जिसका ज्यादा नंबर है उसको भी, क्योंकि भैया ट्रेड टेस्ट में काफी बच्चा छटेगा, क्योंकि कुक का, वाटर कैरियर का और वेटर का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, NSQF लेवल का सर्टिफिकेट का जांच होगा। अब चलिए इतना तो पता चल गया। अब जो बंदा स्वीपर में डाले हैं, टेलर में डाले हैं, बार्बर में डाले हैं, स्वीपर, टेलर, बार्बर, भाई उसको जनरल सर्टिफिकेट बनवाना है, जनरल सर्टिफिकेट, समझिए, उसको जनरल सर्टिफिकेट, जैसे आप स्वीपर में डाले हो तो आप अपने हॉस्पिटल से, अस्पताल से, जैसे हो गया आपके स्कूल, हो गया आपके कॉलेज, हो गया वहां से जाइए और बोलिए कि सर मुझे सफाई का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, बना दीजिए, वह आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने लेटर पैड पे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको, जैसे कि मेरा नाम महेश है, तो महेश कुमार ने हमारे यहाँ 3 वर्षों से बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहा है, सफाई के पद पर है, बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रहा है, बहुत इनका आचरण है, सफाई का सभी काम जानता है, मेरा ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतने दिन से काम कर रहा है और मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इतना कह के जो वहां के जो भी होंगे मैनेजर या कोई, उनसे आप सिग्नेचर करवा के वह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया स्वीपर के लिए। अब टेलर वाले, जो बड़ा दर्जी का दुकान है कहीं पर, बड़ा दर्जी का दुकान जिसका GSTI नंबर हो, वहां से जाके बना ले। बार्बर, जहां दाढ़ी कटिंग हो, बड़ा सैलून हो, जो सरकार को टैक्स देता हो, उसका लेटर पैड बनवा लीजिए, या वो सारा आपको बना देगा कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ, या इस नाम का आदमी हमारे यहाँ 3 से 4 साल से काम कर रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से दाढ़ी बनाना आता है, बाल कटिंग करना आता है और यह बार-बार की सभी काम जानता है, तो बनवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि भाई कम से कम नंबर वाले बच्चों का भी रिजल्ट आएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी रिजल्ट आएगा, और कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो समझ गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए और तैयारी में लग जाइए भाई ट्रेड टेस्ट के लिए, बहुत जल्द ट्रेड टेस्ट होने वाला है, समझ गए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए दोस्तों। और जैसे आंसर की आएगा 5 सितंबर तक आपका आंसर की आ जाएगा, घबराना नहीं है, कुछ विलंब हो सकता है लेकिन 5 सितंबर तक अनुमान है कि आंसर की जारी कर दिया जाएगा, समझ गया, आप देख लीजिएगा कैसे आंसर की डाउनलोड करना है, हम सबको बता देंगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।